हुई इनके लिए एक और एफआईआर बन जाएगी, और या अगर कहीं गलती से क्लैश हो जाता है और आपके पास लाजमी इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पास भी कुछ ना कुछ सामान लेके आएंगे, और अगर क्लैश हो जाता है और वो खुल जाती है चीजें, तो ये दूसरा 9 मई बनने में देर नहीं लगेगी। और अब जब चूंकि जब आपके सामने कोर कमांडर, आप ये कहेंगे कल का, अगर आपको ये डर लग रहा है कि कल का जलसा अगर नहीं करने की इजाजत मिली और फिर भी करेगी पीटीआई, तो हो सकता है 9 मई का वाकई की बिल्कुल सेम सिमिलर हो जाए। भाई की एक बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि एक कॉलर है हमारे, उन्होंने कहा था कि हमारे पश्तून भाई वो जज्बाती लोग भी है और उनके पास असला भी है, ये प्रोग्राम में कह चुके हैं एक साहब, तो ये खदशा यकीनन जहरी भाई जो कह रहे हैं ये इसको हो सकता है ये बात, तो बेचारों को बिला वजह उनको स्टेक पे लगाने की जरूरत क्या है। तो और दूसरी चीज आपको मालूम है कि आप जलसा वलसा करके कोई नतायज हासिल नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि मीडिया में थोड़ा सा गहमा गहमी कर दें। आपको ना इख्तदार नजर आ रहा है, ना आपको सीटें नजर आ रही है, ना मखसूस नशीतें नजर आ रही है, ना कोर्ट में कहीं जीतने की कोशिश है। आप इसी तरीके से आप नहीं करना, ऐसे ही 5 साल गुजरेंगे, ये 5 साल इसी तरीके से हुकूमत ऐसी अपना टाइम गुजारेगी। हाँ, टाइम देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब जो हुकूमत जो पार्लियामेंट है ना 5-5 साल पूरा किया करेगी, और ये तीसरा ये चौथा टेनर होगा जो हुकूमत जो है ना, ये पार्लियामेंट में हुकूमत की बात नहीं करना, पार्लियामेंट 5 साल पूरा करेगा। पहले जरदारी साहब ने किया था, उसके बाद नवाज शरीफ पूरे 5 साल। आप ये कह रहे हैं कि बस यही चलता रहेगा, इन्हीं दोनों पार्टियों से लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, इन्हीं पार्टी है, दो मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम नून लीग और पीपल्स पार्टी, बस यही गेम चलता रहेगा। देखे ना, जरदारी को दोबारा से सदर बना दिया गया, नवाज शरीफ 3 दफा के वजीर आजम रह चुके, हुकूमत संभाल चुके, अब 4थी दफा उनके भाई आके बैठ गए। तो कहां से किसको लेके आए, रईसानी को निकाल के लाए, काकर, यही तो कह रही हूँ, कब तक आवाम इन्हीं लोगों को देखती रहेगी, इन्हीं लोगों में से लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, और मुल्क को जो है ना इस हालत में पहुंचा दिया, अंदाजा लगाएंगे तरक्की करनी रही है। समीना जब तेज भाई एक मिनट कह के मैं खत्म करूंगा, जब तक आप नए खिलाड़ी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे ना, आवाम को नए खिलाड़ी मार्केट में डालने पड़ेंगे, नहीं तो आप इन्हीं 100-200 आदमियों में से, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा ये बात जी, और अब थक गई है आवाम इन लोगों को देख के आजीज आ चुकी है, नहीं एक्सेप्ट कर रही इनको आवाम जी, आवाम जो सिलेक्ट लाना पड़ेगा इन लोगों को, आवाम जो सिलेक्टर है वो नए खिलाड़ियों को क्यों नहीं ला रहे, वो भी तो इन्हीं पे मरे, उन्हें भी तो फवाद खान चाहिए, उन्हें तो चौधरी फवाद चाहिए, रमजान और नवाज और बिलावल चाहिए, इनको क्यों नहीं। देखे नहीं भाई, गवर्नमेंट जो मौजूदा हालात है ना उसमें कोशिश करी, बाकी गवर्नमेंट की कुछ खामियां हैं जो मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, अगर ये अपना वजीर खारजा और वजीर खजाना ये दोनों इस सूरत हाल में बहुत ही डायनेमिक होने चाहिए थे, एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए थी जो शायद अगर रॉ भी होती ना तो वो अपना 100% पोटेंशियल लेके आती, यू नो समटाइम्स यू हैव टू ब्रिंग अ रॉ पर्सनैलिटी जिसमें आप रखें कि जिसमें जोश जज्बा जनून है, तो वो आपका जो है ना खारजा और फाइनेंस का मिनिस्टर होना चाहिए था। ये दोनों जो खारजा और फाइनेंस के मिनिस्टर हैं ये बहुत पुअर हैं, पुअर परफॉर्मर, और इनकी वजह से हुकूमत को काफी बोझ उठाना पड़ रहा है। अगर नून लीग को वाकई थोड़ा आगे निकलना है या आप अगले इलेक्शन के लिए तैयार होना अपने आप को, तो इनको जैसे मैं कहता था भोजदार, तो इसी तरह बिल्कुल ही इसाक डार भी हैं, और ये जो अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर नाम बोल रहा हूँ मैं इनका, शहजादा है क्या है ये, शाहजेब है, औरंगजेब समथिंग, हाँ ये जय भाई ये डायनेमिक आदमी नहीं है, वेरी पुअर। इसार डार को तो इन्होंने खुशनूदी के लिए रखा है, नहीं तो उसकी एक दफा तो कहीं मुल्क से बाहर नहीं निकला। इसाक डार को तो सबसे पहले इनको निकाल के बाहर करना चाहिए, आवाम किसी तरह भी देखे ना कितने बेकार लोगों को बिठा के कोई 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 इनको और पोस्ट वोस्ट दे दे, कोई काम पहले भी इसाक डार ने किया था, मायूसी होगी। आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया था ना, वही रखते हैं बस उनको। हाँ वो पार्टी के सीनियर कारकुन है, आप उनको कुछ ऐसा दे दो साइड में, लेकिन जो वजीर खारजा होता है ना वो हुकूमत का जो है आंखें और कान होता है, और वो जो है वो नजर आना चाहिए आपको, यू नो इससे बेहतर अगर देखा कंपेयर करें तो बिलावल भुट्टो का दौर अच्छा था, बहुत बहुत बेहतर था वो, हालांकि बिल्कुल यही मैंने कहा कि कभी कभी आपको बिल्कुल ही नया था वो जी, ऐसे ही मैंने कहा कि एक नया कोई नून लीग से कोई नया बंदा लेके आते
और एक उसको तो वजीर आपको ये खारजा लग रहा बना है कि दे। बिलावल को वजीर आजम बना दें तो वो बेहतर रहेगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वजीर आने खारजा की वाला बात वो कर रहा बना हूँ, देगा उसे। बस देखिए।